आज की वीडियो में बात करेंगे चेरिकॉफ 12 सिरप के बारे में। तो इसी के ऊपर देखेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इसका इतना डिमांड बढ़ गया है। कंपनी ने इसका नाम चेरिकॉफ 12 इसलिए रखा क्योंकि ये सन फार्मा का चेरिकॉफ नाम से ऑलरेडी बहुत से सिरप आते हैं, जैसे कि चेरिकॉफ जूनियर आता है, चेरिकॉफ प्लेन आता है, चेरिकॉफ एल आता है, चेरिकॉफ एलएस आता है। तो ये सब बहुत से आते हैं जो ऑलरेडी सन फार्मा के सिरप अवेलेबल है। तो इसके लिए इसका भी नाम चेरिकॉफ 12 के नाम से रखा है, लास्ट का डिजिट हटा दिया है और ये 12 के नाम से थोड़ा यूनिक नाम रखा है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर, इसमें कंपोजिशन क्या मिले हुए। तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन मिला हुआ, एक है डेक्सट्रोर मिथोरफेन है और दूसरा क्लोरफेनिरामाइन है। इसमें डेक्सट्रोर मिथोरफेन 30 मिलीग्राम पर 5 ml है, यानी अगर जब 5 ml ये सिरप पियेंगे तो उसमें डेक्सट्रोर मिथोरफेन 30 मिलीग्राम मिलेगा और क्लोरफेनिरामाइन 4 मिलीग्राम मिलेगा। इसमें डेक्सट्रोर मिथोरफेन मिला हुआ है, यानी ये सूखी खांसी में देंगे, ड्राई कफ के लिए आएगा। तो नॉर्मल जो ड्राई कफ के लिए सिरप अवेलेबल है, जैसे कि सन फार्मा का अदर कोई सिरप है चेरी कफ के नाम से, या कोई अदर कंपनी है जैसे कि जेडेक्स है या कोई अदर कंपनी का आप सिरप लेंगे, तो उसमें जो डेक्सट्रोर मिथोरफेन का जो क्वांटिटी है वो कम रहेगा और इसमें उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया है। जैसे कि नॉर्मल जो सिरप रहते हैं उसमें 10 मिलीग्राम पर 5 ml डेक्सट्रोर मिथोरफेन रहेगा, लेकिन इसमें 30 मिलीग्राम पर 5 ml डेक्सट्रोर मिथोरफेन है। तो इसका क्वांटिटी डेक्सट्रोर मिथोरफेन का बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से यह खांसी से ज्यादा देर तक रिलीफ देता है। अब नॉर्मल जो सिरप रहती है वो पियेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम 6 से 8 घंटे तक खांसी से रिलीफ रहेगा और इसके बाद फिर से वो खांसी चालू हो जाएगी। लेकिन कंपनी का दावा है कि चेरिकॉफ 12 के नाम से जो सिरप इसने लॉन्च किया सन फार्मा ने, अगर ये आप पियेंगे तो ये आपको 12 घंटे तक के खांसी से आराम देगा, यानी एक बार पी लिए तो 12 घंटे तक के दोबारा वो सिरप पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खांसी से आराम रहेगा। इससे फायदा ये है कि ये बार बार आपको रिपीट डोज नहीं लेना पड़ेगा, ये एक बार पी लेंगे तो आपको 12 घंटे तक के खांसी से रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर सिरप अवेलेबल है खांसी के लिए, वो एक बार पियेंगे तो 5-6 घंटे तक आराम रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा खांसी चालू हो जाएगी। तो ये चेरिकॉफ 12 लेने से ये फायदा है कि आपको एक तो बार बार रिपीट डोज लेना नहीं पड़ेगा और ये जो अदर नॉर्मल सिरप अवेलेबल है मार्केट में वो एक बार पी लेंगे फिर 6 घंटे में फिर दोबारा लेना पड़ेगा, और ये सिरप लेने के बाद अपने को 1 घंटा तक पानी को भी अवॉइड करना पड़ता है, कुछ खाना पीना नहीं रहता है ताकि सिरप का इफेक्ट अच्छा रहे। इसके अलावा अगर जो कोई भी सिरप ले रहे तो ड्राइविंग वगैरह को अवॉइड करना पड़ता है, उसके बाद जस्ट बार ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि नींद आती है। तो ये सब जो लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब होता है दूसरे सिरप से, तो उससे ये कुछ हद तक ही इससे बच जाएंगे क्योंकि ये 12 घंटे तक उसे रिलीफ दे देगा। यही सब वजह है जिसकी वजह से जैसे ये सिरप लॉन्च हुआ उसके बाद सन फार्मा के शेयर का प्राइस डायरेक्ट 4% इंक्रीज हो गया। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि ये सिरप का प्राइस ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 98 rupees MRP पे ये आएगा, ये आपको 90 rupees के आसपास में केमिस्ट में मिल जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसमें कुछ अलग से साइड इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल जो साइड इफेक्ट होते हैं अदर सिरप के वैसे इसमें ही रहेगा, जैसे कि नींद ऊंद थोड़ी सी आएगी। और जैसे ये सिरप आप ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर बता दो, बिना डॉक्टर को बताए ना लो, क्योंकि ये नया नया सिरप लॉन्च हुआ है इसमें डेक्सट्रोर मिथोरफेन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक बार अपने डॉक्टर को बता दो, उनसे पूछ लो ये ले सकते कि नहीं, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। ये सिरप 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, वो आराम से ले सकते हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं लेना है। इसके अलावा ये सिरप अगर जो है आपको प्रेगनेंसी में ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप ब्रेस्ट फीडिंग में ले रहे हैं तो वो सब कंडीशन में अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लो, दिखा दो। इसके अलावा अगर जो आपको लीवर कोई डिसीज है तो भी आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट करना नहीं लेना है, उसमें भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ भी ये सिरप लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखा के ही लो। इसके अलावा कोई किडनी डिसीज वगैरह है तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखा दो। ओवरऑल ये है कि कोई भी अगर जो आपको बीमारी है या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग है तो ये सब कंडीशन में कोई सी भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए, एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखा के ही लो। कोई सा भी सिरप लेते हैं जो खांसी से रिलेटेड है तो हो सकता है कि वो सिरप लेने के बाद आपको नींद ऊंद थोड़ी सी आए, तो इसके लिए आपको ड्राइविंग को सिरप लेने के बाद अवॉइड ही करना है। जैसे आप सिरप लेते हो उसके जस्ट बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है, कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, लेकिन फौरन ड्राइविंग को नहीं कर सकते, उसको अवॉइड ही करना है। खांसी में आप कोई सा भी सिरप ले रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता तक के वेट करना है, यानी 1 हफ्ता तक के आपको आराम हो जाए तो ठीक है, अगर 1 हफ्ता तक के आपको आराम ना मिले तो आपको डॉक्टर को दिखा के आपको टेस्ट वगैरह करा के उसका कंफर्म करना है कि रीज़न क्या है खांसी का, कई बार अदर कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके लिए 1 हफ्ता तक के आपको आराम ना मिले कोई सिरप से तो फौरन डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर वो टेस्ट वगैरह करेगा, वो पता करेगा कि एक्चुअल में इशू क्या है।